देखिए, अभी इससे पहले वाले सेशन में यूनिक्स जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं CS303, इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको इसका आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया था। ठीक है, बेसिकली इसका आर्किटेक्चर क्या होता है वो अपन ने देख लिया है, और अब अपन इसके जो एक्चुअल में कमांड स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ें अपने को इस बेसिक ओवरव्यू होता है तो उसके बाद वो समझनी होती है, ये मैंने लास्ट सेशन में कवर कर दिया है। ठीक है, ये हिस्ट्री क्या थी इसकी, एक्चुअल में यूनिक्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, फिलोसोफी क्या रहा है यूनिक्स का। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये मैंने डिटेल में लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको जो पुराना सेशन है उसका वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स में क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, और ये जो आप देख रहे हो अंदर वाला पार्ट जो देख रहे हो, बेसिकली ये हार्डवेयर है, और हार्डवेयर को कौन काम कराता है, कर्नल काम करवाता है। ठीक है, हार्डवेयर के साथ में कर्नल इंटरेक्ट करता है, ये कर्नल का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कर्नल से कौन इंटरेक्ट करता है, कर्नल से इंटरेक्ट करता है आपका शेल, शेल काम करता है, शेल जो है कर्नल से इंटरेक्ट करता है, और शेल के साथ में कौन काम करता है, आपका एप्लीकेशंस काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था लास्ट सेशन में कि जो यूनिक्स है वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसके एप्लीकेशन प्रोग्राम ज़्यादा नहीं है, बट जो भी हैं वो शेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और हम लोग बेसिकली इस सब्जेक्ट में सीखेंगे कि यूनिक्स में जो कमांड्स होते हैं वो हम डायरेक्टली शेल का यूज़ करते हुए दे सकते हैं। ठीक है, जो भी कमांड लाइन अपन यूज़ करते हैं वो शेल में यूज़ करते हैं। ठीक है, और शेल कर्नल से इंटरेक्ट करता है, कर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया था लास्ट सेशन में। और टाइप्स ऑफ शेल अपन देख ये देखा था कि तीन तरीके के शेल हो सकते हैं। बॉन्ड शेल होता है, इसको SH बॉन्ड शेल बोलते हैं। सी शेल हो सकता है, CHS हो सकता है, कॉन शेल हो सकता है। ठीक है, यूनिक्स शेल की जब अपन बात करें, यूटिलिटी प्रोग्राम दैट कम्स विद द यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, फीचर्स ऑफ शेल को के फीचर्स क्या क्या होते हैं शेल के, ये इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग करवाता है। इंटरेक्टिव का मतलब बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव का मतलब होता है यूज़र से कमांड लेता है, और फिर कमांड लेने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करता है, और उस प्रोसेसिंग का जो आउटपुट आता है वो यूज़र के साथ में शेयर करता है। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड में काम करता है ये। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब इनपुट और आउटपुट, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करवाता है और आउटपुट देता है। ठीक है, तो इस दरमियान जो भी लिंक बनते हैं, जो भी डिवाइसेज यूज होते हैं, वो उन सबको एक्टिव और डीएक्टिवेट करने का काम शेल का होता है। पाइप्स ये यूज़ करता है। ठीक है, पाइप्स लॉजिकली अपन बात करते हैं पाइप्स के बारे में, फिजिकली तो हम पाइप्स देखते हैं इस तरीके से पाइप्स होते हैं। ठीक है, बट यूनिक्स में कैसे पाइप प्रोग्रामिंग यूज़ होता है वो एक इसका फीचर है, वो भी आप डिटेल में पढ़ोगे। शेल स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्टिंग का मतलब जैसे आप नोटपैड यूज़ करते हो, वैसे शेल एक एडिटर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना कमांड लिखते हो। ठीक है, कमांड एक एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग ये वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स मतलब अगर आप चाहो तो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिक्स शेल के जो हैं वो फीचर्स होते हैं। बोर्न शेल की अपन बात करें तो दिस इज़ द ओरिजिनल शेल ऑफ यूनिक्स विच कम्स विद एवरी यूनिक्स सिस्टम एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न इट इज़ सो पॉपुलर। तो जितने भी आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो बेसिकली यही होता है कि उसमें बोर्न शेल होगा। ठीक है, सी शेल होता है, इट हैज़ अ सिंटेक्स दैट रिजेंबल्स दैट ऑफ हाईली पॉपुलर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो डेवलप्ड एट बेल लैब्स। ठीक है, तो सी शेल जो बेसिकली कॉम्पेटिबल या अपन बोल रहे हैं जिसके साथ काम करता है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो कॉर्न शेल है इज अ सुपर सेट ऑफ SH डेवलप्ड बाय डेविड कॉर्न एंड बेल लैब्स। सुपर सेल होता है। ठीक है, सुपर सेल का मतलब हो गया कि बॉर्न और सी सेल दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आ जाता है। ठीक है, दोनों का जो फीचर्स है, जो दोनों के फीचर्स होते हैं वो कॉर्न शेल में आ जाते हैं। ठीक है,
अब ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये क्या है, हायरार्की है, ठीक है। अपन जब विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ में क्या है, फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं अपना। और यूनिक्स में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया है कि सब कुछ कैसा होता है, सब कुछ फाइल के फॉर्म में होता है। इवन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इवन हार्डवेयर को रिप्रेजेंट भी अपन फाइल के फॉर्म में ही करते हैं। तो यूनिक्स में जो हायरार्की यूज़ होता है, फाइल हायरार्की यूज़ होता है। अब आप ये स्लैश का निशान देख रहे हो, इसको अपन बोलते हैं रूट फाइल, ठीक है। या ये रूट डायरेक्टरी जो होता है, इसको भी अपन रूट फाइल बोलते हैं, ठीक है। इसकी सब फाइल्स होती हैं, जैसे सीडी रोम फाइल हो गई, फ्लॉपी हो गया, लोकल हो गया। तो यूनिक्स एक्चुअल में क्या है, यूनिक्स का जो मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट एक हायरार्की के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लो आपको एक फाइल, ये जो डायरेक्टरी है, यहाँ तक पहुँचना है। इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ देखना पड़ेगा कि इसका जो डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी कौन सा है। इसका पेरेंट डायरेक्टरी डैन है, डैन का पेरेंट डायरेक्टरी या ड्राइव कौन सा है, एन है। तो एन ड्राइव के अंदर, डैन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाते हैं अपन एक्स। तो ये विंडोज़ में लिखने का तरीका है, पाथ को, किसी फाइल या डायरेक्टरी को लिखने का तरीका ये इस तरीके होता है। बट यूनिक्स में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एग्जैक्ट फाइल है, ठीक है, इसका जो लिखने का तरीका होगा, ये रूट के अंदर ये किस डायरेक्ट, अब इसका देखो पेरेंट डायरेक्टरी या पेरेंट फाइल कौन सा है, डैन। इसका पेरेंट फाइल कौन सा है, यूज़र। एंड यूज़र का पेरेंट फाइल कौन सा है, रूट। तो रूट के रूट का फिर सब फाइल यूज़र, फिर उसका सब फाइल डैन, फिर उसका सब फाइल एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से पाथ लिखा जाता है, ओके। तो ये यहाँ पे यही दिखा रखा है कि एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है, रिलेटिव टू द डायरेक्टरी फॉर डैन, रिलेटिव टू द होम स्पेस एंड फॉर एवरीवन एल्स रिलेटिव टू द डॉन। ये मुझे लगता है मैंने लास्ट सेशन में भी बता दिया था, तो ये देख लेना पिछले सेशन का जो लेक्चर है। फाइल मैनेजमेंट, यूनिक्स एज ए हायरार्किकल फाइल सिस्टम विद स्लैश एज इट्स रूट, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है ये इसका रूट फाइल है। एवरी नॉन लीफ नोड ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरी फाइल। तो जैसे एक ट्री बनता है, ट्री में क्या होता है, ट्री में रूट होता है, तो ये रूट फाइल होगा। और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, या नोड बोलोगे, जो आप इसके लीफ नोड बोलोगे, इसको डायरेक्टरी फाइल्स बोलते हो आप, ठीक है। डायरेक्टरी फाइल्स आप इनको बोलोगे, ठीक है। एवरी लीफ नोड कैन आइदर बी फाइल और एन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो जो भी लीफ नोड होगा, या तो वो खाली डायरेक्टरी हो सकता है या कोई फाइल हो सकता है। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि शेड्यूलिंग अपन कब यूज़ करते हैं, जब कोई प्रोसेस आती है, उसको सीपीयू अलॉट करना होता है, तो अपने पास शेड्यूलिंग का अलग अलग एल्गोरिदम होता है। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, SRTF हो गया। तो इसी तरीके से यूनिक्स जो है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि मल्टी यूज़र्स, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र्स अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हों, ठीक है, तो सबको बराबर से यूनिक्स रेस्पॉन्स कर सके। तो बराबर रेस्पॉन्स अगर करना है सबको, कि कोई किसी चीज़ के लिए लंबे समय तक वेट ना करे, उसको भी उसके लिए अपन यूज़ करते हैं राउंड रॉबिन। तो यूनिक्स जो है वो मल्टी जो यूज़र्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को यूज़ करता है। राउंड रॉबिन फैशन ऑफ शेड्यूलिंग इज कंसिडर टू बी ओल्डेस्ट। ये काफ़ी पुराना है, ये शेड्यूलिंग सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हियर एवरी प्रोसेस इज गिवन अ टाइम स्लाइस 10 to 100 millisecond। तो जब जितना भी प्रोसेस अगर आके खड़ा हो जाता है रेडी क्यू में, तुमने देखा होगा प्रोसेस का प्रोसेस स्टेट होता है। मैंने सेकेंड ईयर में जब तुमने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रोसेस का प्रोसेस स्टेट होता है। यहाँ पे प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है, फिर इसके बाद प्रोसेस कहाँ जाना चाहता है, रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट से प्रोसेस टर्मिनेटिंग स्टेट में जाना चाहता है, और एक आपका वेट स्टेट होता है जिसमें प्रोसेस कभी नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो जब प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाने के लिए, ठीक है, जब प्रोसेस रेडी से रनिंग में चला जाता है, तो और अपन जब राउंड शेड्यूलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इस रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं, P1, P2, P3, तो हर प्रोसेस को CPU जो अलॉट किया जाता है,
उसका जो टाइम होता है वो 10 से 100 मिलीसेकंड के बीच में होना चाहिए। ये राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का रूल बोलता है कि जब प्रोसेस रेडी से रनिंग में जा रहा है तो 10 से 100 मिलीसेकंड के बीच में टाइम स्लाइस या उसको रन करने का मौका मिलेगा, ताकि उसके बाद फिर वापस वो रेडी क्यू में आ जाए और दूसरी स्टेट को रन होने का मौका मिले। ठीक है, अब देखो यूनिक्स आप लोगों के लिए क्या कर सकता है, आप इसको यूज कर सकते हो डिपार्टमेंटल ईमेल भेजने के लिए, नेट एज अ नेटवर्क इंटरनेट चलाने के लिए आप यूज कर सकते हो, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग जैसे प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। C++ की प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो, फोरटान की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मैटलैब की कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गया आपका, और जो बहुत अलग अलग तरीके के ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए जो पैकेजेस हैं जैसे GNU प्लॉट और टेक प्लॉट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें रन करते हैं, तो वो सारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूनिक्स। ठीक है, अब ये यूनिक्स में आप देख रहे हो एक सुपर यूज़र होता है। सुपर यूज़र का मतलब है ये सबकी मॉनिटरिंग करता है सुपर यूज़र, और एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जा सकता है। इस ग्रुप में एक टाइप के यूज़र हो सकते हैं, फिर एक दूसरा टाइप का ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये जो सुपर यूज़र होता है ये सब पूरे जितने भी इससे कनेक्टेड यूज़र्स हैं उन सब की मॉनिटरिंग कर सकता है, और उनको अथॉरिटीज़, उनको किस टाइप की अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो सब काम कौन करता है, सुपर यूज़र करता है। ठीक है, यू विल नीड टू हैव एन वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, टाइप योर यूज़र नेम एट द लॉगिन प्रॉम्प्ट, यूनिक्स इज़ कैश सेंसिटिव। ठीक है, तो देखो जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपन बात कर रहे हैं मल्टी यूज़र की, तो एक तो सुपर यूज़र होता है, एक सुपर यूज़र होता है और बाकी यूज़र्स होते हैं। तो जब यूज़र्स एक्चुअल में सब इंडिविजुअल यूज़र्स हैं तो सबको अपने अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो और इसको आपको लॉगिन करना है तो आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट पे जाके लॉगिन करना पड़ता है। और यूनिक्स कैश सेंसिटिव है, कैश सेंसिटिव का मतलब है कि ए और स्मॉल ए दोनों को ये अलग अलग समझता है, एक ही नहीं समझता है। समझ में आ रही बात, अल्फाबेटिकली जो भी यूज़र नेम होगा या कोई भी कमांड ऐसा होगा, जैसे मान लो मैंने एक कमांड दिया CD, जैसे मैंने कोई कमांड दिया CD और आप दे रहे हो उसको कैपिटल CD, तो इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होगा, इनको एक जैसा नहीं समझेगा है। ठीक है, व्हेन द पासवर्ड प्रॉम्प्ट्स अपीयर्स टाइप्स इन योर पासवर्ड, जब भी जब आप लॉगिन करोगे तो आप सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी डालोगे, एंटर करने के बाद आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको टाइप करना होता है। द पासवर्ड इज नेवर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज अ सिक्योरिटी मेजर्स, तो आप जब अपना जब भी पासवर्ड डालते हो तो कभी आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा जब आप टाइप करोगे, आपको स्टार्स दिखाई देंगे। ठीक है, स्टार्स के फॉर्म में आपका टेक्स्ट दिखेगा, तो ये आप सबको करके देखना है। तो सबसे आज टास्क आपका यही रहेगा, अपने ऊपर अपने सिस्टम में जो जिस पे भी आप काम करते हो तो आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अब आप चाहो तो इसके लिए इसको वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड करो या पैरेलली विंडोज़ के साथ में डाउनलोड करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको कैसे भी करना है, इसके सारे डाउनलोड के जो यूट्यूब वीडियोस हैं सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो इसको करके देखना है सभी को। फिर नेक्स्ट सेशन में अपन इस पर चर्चा करेंगे और इसके कमांड्स देखेंगे। ठीक है, देखो जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हो, अब आप ये जो विंडो देख रहे हो ये एक टर्मिनल है। ठीक है, एंड टर्मिनल है। जब आप यहाँ पर लॉगिन एज टेस्ट वन, ये यूज़र नेम है। ठीक है, ये टेस्ट वन एज ए यूज़र, टेस्ट वन आप लॉगिन करते हो, फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हो, उसके बाद एंटर करते हो, तो ये देखो यहाँ पे टेस्ट वन के अंदर लॉगिन हो चुका है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, तो इसमें आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुके होते हो। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने क्या कमांड टाइप करना है, PASSWD। ठीक है, ये कमांड टाइप करके आपने एंटर करना होता है, इससे पासवर्ड चेंज करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें वो आपको स्क्रीन पर सबसे पहले पुराना पासवर्ड टाइप करवाएगा, फिर नया पासवर्ड और फिर नया पासवर्ड दोबारा टाइप करवाएगा। ठीक है, अगर आपको लॉगिंग ऑफ करना है, मतलब अपने अकाउंट से बाहर जाना है, तो कैसे जाएंगे उसके लिए, या तो आप कंट्रोल प्लस, जब आप अपने अकाउंट में हो तो कंट्रोल प्लस D और एंटर करोगे तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, अगर मान लो ये काम नहीं करता है तो आपने क्या करना है, आप एग्जिट भी लिख सकते हो, EXIT एग्जिट। ठीक है, इससे भी बाहर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? चिराग सपात्र, कोई क्वेश्चन है? हेलो, क्यों तो ये अपना सेशन, एक मिनट, ज़्यादा ही आगे चले गए क्या?